अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने बनाए हैं एग कबाब और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंडे के कबाब, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आलू जो हैं वो उबाल लिए हैं तो इनको मैश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो हैं वो मैश हो गए हैं सही तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला हम डाल रहे हैं तकरीबन आधा चम्मच, काली मिर्च डालेंगे, खुश्क धनिया का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे, अभी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो है बारीक कटा हुआ ये भी शामिल कर लेंगे। अभी हम डालेंगे नमक, तकरीबन डेढ़ चम्मच के करीब नमक डाला, अभी हाथ की मदद से इसे सही तरह हम करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे पास अभी एक उबला हुआ अंडा है, इसे कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले ऐसे करेंगे दो हिस्सों में, अभी सेंटर से कट करेंगे, इसको हमने चार हिस्सों में कट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह लेंगे मैश किए हुए आलू जो हमने तैयार किए थे, इस तरह बनाएंगे उसकी एक छोटी सी टिक्की ऐसे, और एक टुकड़ा हम लेंगे अंडे का, उसको रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इस तरह के आलू थे हमारे उस तरह की इसकी शेप हमने बनानी है ऐसे। हाथों को थोड़ा मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि ये चिपके ना, कुछ इस तरह की इसकी शेप हमने बनानी है इस तरह की। अभी हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, तो वो अलहदा से भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर अलहदा नहीं है तो आप ब्रेड लेके सबसे पहले उसको हम थोड़ा ड्राई करेंगे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पैन के अंदर, तो पैन में सही तरह से हमने थोड़ा क्रिस्पी करना है, ड्राई करना है अच्छी तरह। सही तरह ड्राई कर लिया थोड़ा सा पैन के अंदर, इससे ये होगा कि जो हम क्रम्स बनाना चाहते हैं वो थोड़े क्रिस्पी बनेंगे, तो फ्राई करने से ये माशाल्लाह से ये देखें क्रिस्पी हो गए, ये देखें। तो दो अदद अंडे हमारे पास, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, चार से पाँच चम्मच जो है वो हम दूध के शामिल करेंगे, मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो हमने तैयार किया था अंडे के अंदर डुबोना है सही तरह ऐसे, ये लगाएंगे ऐसे ऐसे क्रम्स लगाएंगे सही तरह। ऑयल हमारा गर्म है, अभी हम फ्राई कर लेंगे इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी साइड पलट देंगे, आँच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, एक दफ़ा ऑयल जो है उसको गर्म कर लिया है, अब आँच बिल्कुल मीडियम रखनी है और थोड़ा टाइम लेके इसको पकाना है ताकि अंदर तक पक जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के हैं ये, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मीडियम आँच के ऊपर इनको हमने सही तरह अंदर तक फ्राई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ हमने फ्राई कर लिए हैं और जो रहते हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
मज़ेदार बने हैं वाकई, इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता करे। इंशाल्लाह पुत्र, बहुत मज़ा आया।